नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यह कैसे चल बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप लोग बिना इंटरनेट के किसी पर देखिए पैसे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आप देखिए फ़ोन पे गूगल पे कोई भी यूजर हैं, आप चाहते हैं जैसे आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं चलता है, आप अपने बैलेंस को चेक करना चाहते हैं या किसी पर पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं चलिए बता देता हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मेरे मोबाइल में देखिए ऑप्शन शो कर रहा कॉल का, कॉन्टेक्ट, इंटरनेट ब्राउजर और देखिए मैसेज कौन शो कर रहा। दोस्तों जैसे आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा है, आप देखिए अपने बैलेंस को चेक करना चाहते हैं या किसी के पास पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ कॉल वाले पे क्लिक करता हूँ और फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, यहाँ देखिए कॉल हिस्ट्री शो कर रहा है, डायल पैड शो कर रहा। दोस्तों हमें यहाँ पे देखिए डायल करना है *99#। दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए इतना टाइप करना है और यहाँ देखिए SIM1 SIM2। दोस्तों जो नंबर आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो उससे इस नंबर को आपको डायल करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, यहाँ देखिए सिलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे देखिए बैंक का नाम सुख रहा, यहाँ फर्स्ट में देखिए सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माई प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजेक्शन और यहाँ देखिए UPI पिन। दोस्तों यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं जैसे आप देखिए पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और देखिए रिक्वेस्ट मनी भी कर सकते हैं, बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं देखिए अपना बैलेंस चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे चेक बैलेंस शो करा, मैं यहाँ पे देखिए क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए 3 कर देता हूँ, फिर यहाँ सेंड वाले पे क्लिक करता हूँ और फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, यहाँ देखे इंटर 4-digit UPI पिन और यहाँ पे देखे मेरा बैंक का नाम शो कर रहा और यहाँ पे देखे लास्ट के अकाउंट नंबर शो कर रहा। दोस्तों हमें यहाँ पे देखे UPI पिन इंटर करना है, इंटर कर देता हूँ। UPI पिन इंटर करने के बाद यहाँ सेंड वाले पे क्लिक करना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन शो रहा है योर अकाउंट बैलेंस और यहाँ पे देखे मेरे अकाउंट का बैलेंस शो कर रहा। दोस्तों इसी तरह आप लोग बैलेंस चेक कर सकते हैं। जैसे आप किसी पर पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको इसी तरह देखे *99#, फिर कॉल करना है और फिर ऐसा पेज ओपन हुआ। दोस्तों जैसे आप किसी पर पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर पे सेंड मनी शो करा, आपको यहाँ फर्स्ट देखिए यहाँ पे इंटर करना है 1, फिर यहाँ सेंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए सेंड मनी टू मोबाइल नंबर, UPI ID, सेवर्ड बेनिफिशरी, IFSC अकाउंट नंबर और देखिए बैक ऑप्शन शो करा। दोस्तों आप जिसके माध्यम से देखिए सेंड करना चाहते हैं वो सेंड कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मुझे IFSC और अकाउंट नंबर के माध्यम से किसी पर ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे देखिए 5 इंटर करना है, यहाँ 5 इंटर कर देता हूँ, फिर यहाँ सेंड वाले पे क्लिक करता हूँ और फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, यहाँ देखिए IFSC कोड, आपको यहाँ पे देखिए IFSC कोड इंटर करना है, मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ। IFSC कोड इंटर करने के बाद फिर आपको यहाँ सेंड वाले पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे देखिए इंटर द कम्प्लीट अकाउंट नंबर, यहाँ पे देखिए आपको अकाउंट नंबर इंटर करना है, फिर यहाँ सेंड वाले पे क्लिक करना है और फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, देखिए इंटर अमाउंट, कितना पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आपको लिख देना है। जैसे मैं ऐसे देखे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए 10 लिख दिया हूँ, फिर यहाँ सेंड वाले पे क्लिक कहता हूँ और यहाँ देखे इंटर ए रिमार्क, आप रिमार्क करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ही देखिए फिर उतना ही 10 लिख देता हूँ, फिर सेंड और फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, यहाँ पे देखिए हम सुना यू आर पेइंग टू और यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर शो कर रहा और देखिए IFSC कोड शो कर रहा है, अमाउंट शो कर रहा और यहाँ देखे इंटर UPI पिन टू प्रोसीड। दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए UPI पिन इंटर करना है। दोस्तों फिर यहाँ सेंड वाले पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ देखिए पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ देखिए आप लोग इसी तरह बिना इंटरनेट के अपना बैलेंस को चेक भी कर सकते हैं और किसी पर पैसे को भेजना चाहें तो इसी तरह भेज भी सकते हैं। दोस्तों यह मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके जो बताइए। दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।